हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक विशेषर। वेलकम बैक टू अवर चैनल जायत्री ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 2। करते हैं स्टार्ट क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है मेरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। बेटा, ये जो कैपेसिटर चैप्टर है इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना होगा, ये एक ऐसा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। किसी भी फिजिक्स में, कहीं भी फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं मिलेगी। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन नहीं है हमारी फिजिक्स में तो फिर क्या? बेटा, हमें जो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को, वो उसको समझाने वाली कोशिश करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरी फिजिक्स में कहीं नहीं है, हमारी फिजिक्स में है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करा? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने जरूरत है। विदाउट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी, विदाउट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आई कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम फाइंड नहीं कर सकते, हम पता नहीं कर सकते अगर जब तक पोटेंशियल डिफरेंस पता नहीं होगा। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम पता करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे पता करते हैं। जैसे मेरे पास दो पॉइंट, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, मेरे पास दो पॉइंट्स, दिस इज द ए दिस इज द बी। हमने यहाँ से टेस्ट चार्ज, यू नो टेस्ट चार्ज, व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? जानते आप अच्छी तरीके से टेस्ट चार्ज क्या है? यहाँ से टेस्ट चार्ज आपने उठाया, इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ पे ले गए। तो क्या होता है जब आप इस टेस्ट चार्ज को उठा के यहाँ पे लेके आते हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस टू ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस टू बी। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है बी ए माइनस बी बी इज प्लस टू वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। आपने इसको उठा के ले जा रहे हो, मतलब आप इसको उठा के ले जा रहे हो, आप एक्सटर्नल एजेंट की तरह वर्क कर रहे हो। यहाँ पे आप इसको उठा के यहाँ पे लेके जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि हम वर्क कर रहे हैं। वर्क डन बाय, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। समझ में आ रहा है ना? तो बेटा, इसको यहाँ से उठाया आपने और यहाँ पे लेके आए तो क्या देखा हमने? हमने देखा यहाँ से हमने कुछ वर्क किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहता है वी ए माइनस वी बी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन इस चार्ज को उठाया टेस्ट चार्ज को, इस कॉल का पोटेंशियल डिफरेंस। जो वर्क हम करके लेके आते हैं, जो वर्क हम कर रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट बन के, जो वर्क कर रहे हैं हम, अपॉन जिस चार्ज को हम उठा के लेके आ रहे हैं, हम किस चार्ज को लेके आ रहे हैं? टेस्ट चार्ज उठा के लेके आ रहे हैं। तो बी ए माइनस बी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ओके, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा तो वर्क की यूनिट होती है जूल और ये टेस्ट चार्ज इसको दिए कूलाम, तो ये हो जाएगी जूल पर कूलाम। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम पीडी कहते हैं, पीडी इज इक्वल टू जूल पर कूलाम। ओके, श्योर। अब हम बात करते हैं इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, कैसे डायमेंशन निकालते हैं। तो बेटा, डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना होता है? तो देखो कैसे करेंगे, पीडी की डायमेंशन निकालनी है हम क्या करेंगे? तो बेटा, जूल की क्या होती है? एफ इंटू एस वर्क फोर्स ऑफ स्पेस में, यू नो कूलाम आई टी पता था हम लोग। और इसकी यूनिट निकालेंगे क्या करेंगे? फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इनटू आई टी। अब बेटा, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस टू, एस आपका डिस्प्लेसमेंट, इसको एल से कर देंगे। श्योर। अब कूलम बाकी की तो हमने फोर्स निकाली, कूलम की क्या होती है? आई टी। आई की होती है ए, टी की होती है टाइम, तो टी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम वन एल वन टी माइनस, सॉरी एल वन ये है बने एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए वन माइनस वन। समझ लीजिएगा, एम वन एल स्क्वायर टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा, कल मिलते हैं, आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करते हैं, ये सारी बातें कल आपको समझाएंगे। आज का जो टॉपिक था वो था पोटेंशियल डिफरेंस को समझना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें तो दो पॉइंट के बीच निकाल सकते हैं, दो मेरे पास एक इनिशियल एक फाइनल पॉइंट होना चाहिए तब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। सिंगल पॉइंट को पूरी फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है ही नहीं। जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस को नहीं समझेंगे तब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड नहीं कर सकते, हम नहीं पता लगा सकते कहाँ पे कैसे कैसे निकालना है। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ रहा होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
कैसे निकालना है। ओके मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।